योगी के यूपी में मुहर्रम पर बवाल पड़ गया भारी। जिला बरेली में मुहर्रम के दौरान हुआ था बवाल, अब बवालियों को सबक सिखा रही है पुलिस। बाबा का बुलडोजर भी रौंदने लगा अवैध निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सत्ता संभाल रहे हो, उस उत्तर प्रदेश में दंगा या बवाल करने से पहले कम से कम 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि साल 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध में कुछ दंगाइयों ने यूपी में बवाल मचाया था, उस वक्त योगी सरकार ने ऐसा तगड़ा सबक सिखाया था कि उसके बाद दोबारा यूपी में CAA के नाम पर बवाल नहीं हुआ, क्योंकि योगी सरकार ने दंगे के आरोपियों की तस्वीरें चौराहे पर लगवा दी थी और उनसे सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी करवाई थी। लेकिन इसके बावजूद जिला बरेली में 19 जुलाई को मुहर्रम के दौरान कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने आधी रात को तांडव मचाया और अब उन बवालियों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले मुसलमानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जुलाई को ही चेतावनी दे दी थी कि त्योहार मनाना है तो नियमों के तहत मनाओ, नहीं तो अपने घर बैठ जाओ। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। बरेली में मुहर्रम की ताजिया निकालने के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले मुसलमानों ने लगता है योगी की इस चेतावनी को हल्के में ले लिया। यही वजह है कि 19 जुलाई को जब परंपरा तोड़ते हुए नए रास्ते से ताजिया ले जाने का हिंदुओं ने विरोध किया तो ताजिया वालों ने बदले में उन हिंदुओं पर हमला बोल दिया, जिसमें घायल एक युवक की जान चली गई और अब इन बवालियों को इस तोड़फोड़, मारपीट और पथराव की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि एक्शन में आई बाबा की पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी के साथ साथ 35 आरोपियों को दबोचकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तो वहीं बाबा का बुलडोजर भी दहाड़ने लगा है। जनपद बरेली स्थित थाना शाही में ग्राम गौसगंज में दिनांक 19 जुलाई 2024 को हुए घटनाक्रम में अभी तक दो मुकदमे लिखे जा चुके हैं सुसंगत धाराओं में। उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में अभी तक लगभग 35 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त बीती रात को दो उपद्रवी जिनकी गोपनीय सूचना हमें मिली, सूचना मिलने पर चेकिंग बैरियर पर उनको रोका गया, रोकने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया और जवाबी एवं आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक उपद्रवी के पैर में गोली लगी। उस उपद्रवी का नाम आलमगीर है, वह दोनों ही मुकदमे में नामजद था, वह फरार था। उसके अतिरिक्त जो उसके साथ में था, जिसका नाम निजाकत है, उसे भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। 19 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुए बवाल के बाद जहां आरोपियों को दबोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, तो वहीं दूसरी तरफ इन आरोपियों के अवैध आशियाने को रौंदने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई। घटना के बाद प्रशासन की ओर से कई अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया था, जिन्हें अब एक एक कर बुलडोजर ने रौंदना शुरू कर दिया है। जनपद बरेली के थाना शाही में गौसगंज नामक गांव में 19 जुलाई 2024 को हुए घटनाक्रम में दो मुकदमे लिखे गए थे सुसंगत धाराओं में। उनमें जो आरोपी थे उनकी जांच प्रशासन द्वारा की गई, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। उसी के विरुद्ध आज प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई की गई है। बरेली पुलिस ने ताजिया के दौरान मारपीट करने वाले आरोपियों को जहां सलाखों के पीछे भेज दिया, तो वहीं जिन आरोपियों ने अवैध निर्माण करवाया था
उसे बुलडोजर ने रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें 19 जुलाई को पूर्व प्रधान के बेटे तेजराम पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से उसे पीट पीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर उसने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता पूर्व प्रधान ने बताया कि मुहर्रम के जुलूस को नए रास्ते से निकाला जा रहा था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, तो ये लोग दूसरे दिन अवैध असलहे के साथ आए और मेरे बेटे को मस्जिद में ले जाकर उसे बेरहमी से पीटा। हर लोग बुला के और हिंदुओं के घरों पर इन लोगों ने मतलब हमला कर दिया। इन पर नाजायज असले थे, एक हमारा गांव का बख्तावर है, एक किसरदली है, ये दो तीन पाँच छः लोग ये मसीह हैं पूरे उसके ग्रुप के। इन लोगों ने लहसुन सी रात में बहुत ही बंदूक उससे फायरिंग की, 100 फायर की, 150 असले थे इन लोगों में। सब हिंदुओं घर मर आ गए, कुछ लोग इनकी किवाड़ा खुली थी, धक्के मारे घुस गए, क्योंकि किवाड़ा बंद थी, इनके किवाड़ा कुत्तों तोड़ कर मार रहे। औरतों से छेड़छाड़ की, औरतों के जेवर ऊपर लूट ली इन लोगों ने और इज्जत में भी हाथ डाला है। हमारे घर में घुसे, हमारा बेटा लेटा हुआ था, उसके घर पर पहुँचे, हमारी बेटी साथ गलत हो गई, इन लोगों ने उसकी बीवी को मारा, हमारी बीवी को मारा, हमारी बीवी की जब लोग हाथ डंडा मारते ईट मारी तो उसकी बेहोश होकर बेचारी बीवी हम उठा लेके हमारे बेटे को और मस्जिद में लेकर रख के इन लोगों ने सरों में ईंटें मारी और इसकी टांगे फैला के इस हृदय ने इसके पोतों में ललाटे मारी। इसे मरा छोड़ समझ के और वहाँ डाल के इसे मतलब भागे वाला होकर नारे लगा रहे थे। मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुए विवाद में अपने बेटे को गंवाने वाले पूर्व प्रधान ने सरकार से दोषियों को फांसी दिलाने की मांग की है, तो वही दूसरी तरफ इस हादसे के बाद एक्शन में आया पुलिस प्रशासन इस मामले पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। बहरहाल सरकार के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर।